क्रिकेट हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन ये इतना लोकप्रिय है जितना शायद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में। एक राष्ट्रीय खेल ना होने के बावजूद इस खेल का इतना ज्यादा लोगों के प्रति लगाव होना, ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। लेकिन जब हमारे देश के कुछ क्रिकेटर्स अच्छा प्रदर्शन करते हैं और वर्ल्ड लेवल में जब नाम उनका आने लगता है, तो वैसे में टीम की पोजिशन अच्छी होने लगती है और उसका विनिंग परसेंटेज बढ़ने लगता है। 1983 के पहले भारत ने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता था और इसके कुछ खिलाड़ियों को छोड़कर भारतीय टीम में ऐसा कुछ नहीं था जिसका उल्लेख किया जा सके। लेकिन 83 वर्ल्ड कप में जब कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और वर्ल्ड कप जीता, तो सारे देश में जश्न का माहौल देखने लायक था, क्योंकि न केवल वर्ल्ड कप भारत ने जीता था बल्कि उस देश को हराया था जिसने ऑलरेडी 2 बार वर्ल्ड कप जीत लिया था, और वो टीम थी वेस्ट इंडीज। इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद भारतीय टीम को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला, इस खेल के प्रति लोगों का जुनून बढ़ा, और मुझे अब भी याद है बच्चे दूसरे खेलों को छोड़कर क्रिकेट की तरफ आकर्षित होने लगे थे और हर घर में अपने माँ बाप से बैट और बॉल की डिमांड होती थी। उसी 83 पर एक फिल्म बन रही है जिसका काफी दिनों से लोगों को इंतजार था, और क्या क्या है इस फिल्म के अपडेट आज इस बारे में बात करेंगे। हेलो और नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं बॉली बच्चन। आज मैं बात कर रहा हूं फिल्म 83 की, जिसमें रणबीर पादुकोण है और इसके अलावा भी बहुत सारे सितारे हैं, लेकिन अधिकतर चेहरे नए हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं दीपिका पादुकोण, कबीर खान, विष्णु वर्धन इंदुरी, साजिद नाडियाडवाला, फैंटम फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट और 83 फिल्म्स लिमिटेड। फिल्म में कपिल देव की भूमिका रणवीर सिंह निभा रहे हैं और इस फिल्म को निर्देशित करने वाले हैं कबीर खान। कबीर खान पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया करते थे, फिर उन्होंने कुछ फिल्में बनाई जो लगभग डॉक्यूमेंट्री जैसे लगती थी, जैसे कि काबुल एक्सप्रेस, उसके बाद उनकी आई थी न्यूयॉर्क। लेकिन इसके बाद उन्होंने थोड़ा सी मसाला फिल्में बनाना शुरू की, लेकिन कबीर खान के निर्देशन का कमाल हमने जो खासकर कमर्शियल फिल्म में देखा वो थी बजरंगी भाईजान। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट रही थी, तो उनके निर्देशन पर हम तो कोई उंगली नहीं उठा सकते हैं, और उनका जो फिल्म बनाने का जो तरीका है एक रियलिटी वाला, वो हमने ऑलरेडी उनके शुरुआती दौर में देख लिया है। तो मुझे लगता है कि इस बार वो जो पर्दे पर लाएंगे 83 के कैरेक्टर्स को, उनके जज्बातों को और उनकी जीत को, ये जीत सिर्फ उनकी नहीं थी, सारे देश की थी, ये सारे कैरेक्टर जब पर्दे पर उतरेंगे तो एक बार फिर से यादें ताजा हो जाएगी, एक बार फिर से लोगों को ये पता चलेगा कि क्रिकेट का जुनून हमारे देश में कैसे बढ़ा। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और इसी तरह के जबरदस्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।